हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उससे मिलती जुलती ही एक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या क्या चीजें हैं, वो हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कोई भी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मान लिया हमने, बहुत दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। हम चाहते हैं वो चार्ज इन्फिनिटी से किसी फिक्स्ड पॉइंट तक आ जाए। चार्ज अपने आप मूव नहीं कर सकता, चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसे किसी फिक्स्ड पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर सभी को? ठीक है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो कि कहां रखा हुआ है, बहुत दूर इन्फिनिटी पर, उसे किसी फिक्स्ड पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो डेफिनेशन आपको बिल्कुल लिखनी है बुकिश लैंग्वेज में, वो मैं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुने, और सुनकर ही आपको डेफिनेशन लर्न हो जाए। ये नहीं कि आप बार बार रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारने के बाद डेफिनेशन जो है वो याद कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुनेंगे ध्यान से, 100% कॉन्सेंट्रेशन से उसे याद करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इन सब चीजों को हम अब बोर्ड पे स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये एक वायर है, ये एक वायर है, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, बहुत दूर रखा हुआ है। हम चाहते हैं ये चार्ज यहां से इस एक्स पॉइंट तक आ जाए। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे उसको हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसका सिंबल है वी, कैपिटल वी। फॉर्मूला क्या बन गया? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट। यूनिट हम इसकी अपने आप फाइंड कर सकते हैं, और हमें पता है जो यूनिट हम फाइंड करते हैं उसको हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन की यूनिट जूल, जे ओ यू एल ई, जे स्मॉल लिखेंगे ध्यान रखना। और चार्ज की यूनिट मैंने बताई थी कूलम। यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम। इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, जूल पर कूलम, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी कोई यूनिट सिंबल की फॉर्म में लिखी जाएगी तो वो हमेशा कैपिटल होगी, और जब उसका पूरा नाम लिखा जाएगा तो उसका लेटर स्मॉल होगा। इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। वोल्ट का सिंबल वी। एक साइंटिस्ट थे इटली के, एलेसांद्रो वोल्टा, उनके ओनर में इसकी यूनिट क्या रखी गई? वोल्ट रखी गई। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी यूनिट भी होती हैं, जैसे मेगावोल्ट, मेगावोल्ट, 1 MW, मेगा में ध्यान रखना एम कैपिटल आता है। इसी तरह से किलोवोल्ट, वाट नहीं ध्यान रखना, ये वोल्ट है, इसको के वी लिखेंगे, के और वी, के स्मॉल आएगा ध्यान रखना इसमें। तो ये इसकी अदर यूनिट्स हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही मिलती जुलती एक और डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस।
वो क्या है उसको स्टडी करेंगे यहां पर हम। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान से देखते रहेंगे सभी बच्चे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो देखिए, एक वायर है ये, ठीक है, ये इसका ए एंड है, ये इसका बी एंड है। एक चार्ज यहां रखा हुआ है ए पॉइंट पर, हम चाहते हैं वो बी तक पहुंच जाए। चार्ज अपने आप मूव नहीं कर सकता, चार्ज को हमें ए पॉइंट से कहां पहुंचाना है, बी पॉइंट तक। ये तो है नहीं कि हम चार्ज को कुछ लात मारे, गुस्सा मारे, तब वहां से यहां पहुंचे। चार्ज को हमें क्या करवाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या हो, क्या चीज होगी, डेफिनेशन इसकी देखिए आप। इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज कहां से कहां तक, फ्रॉम, इसमें आप इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, वन पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर वो मेटीरियल जिसमें से करंट फ्लो हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें हमने लिखा है इट इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए फिक्स्ड पॉइंट, जब ठीक है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें दोनों पॉइंट फिक्स है। सिंबल इसका भी वही है क्या, वी, फॉर्मूला इसका भी वही है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बाकी सब चीजें सेम है, डेराइव्ड यूनिट, एसआई यूनिट, सब चीजें सेम की सेम है। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को ही आम बोलचाल की भाषा में वोल्टेज कहा जाता है। ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा, वोल्टेज, ठीक है, हमारे घरों में 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है। अगर ये वोल्टेज कम हो जाती है, 200 वोल्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वोल्टेज डिम है, ठीक है। अगर वोल्टेज डिम होगी तो करंट ढंग से फ्लो नहीं करेगा और जो हमारे अप्लायंसेस हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे। क्लियर सभी को। अभी इसी को एक और हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज है पोटेंशियल डिफरेंस और इसका क्या फायदा होता है। ध्यान रखना सभी बच्चे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक कोज है और उसका इफेक्ट क्या है, करंट के का फ्लो होना। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दो एंड्स के बीच में, तब तक उनके बीच में करंट फ्लो होता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कोज और उस कोज का इफेक्ट क्या है, करंट का फ्लो होना। इसको हम दो एग्जाम्पल से यहां पे स्टडी करेंगे। हमने क्या किया है, पानी की टंकी है हमारे पास, ठीक है, पूरी पानी से भरी हुई है। बोर्ड पे स्टडी करते हैं हम इसको, आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये एक पानी की टंकी है, ठीक है, पूरी पानी से भरी हुई है ऊपर तक। दूसरी पानी की टंकी है, सेम मान लिया हमने कि जैसी है, ये खाली है, ठीक है। इस टंकी का नाम हमने रख दिया ए, इसका रख दिया बी, दोनों को हमने पाइप से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। पाइप से जोड़ने पे क्या ए टंकी का पानी बी में जाएगा, ये बंद है इस तरह से यहां पर, हाँ जाएगा। क्या हमें इसके लिए मोटर लगानी पड़ेगी, नहीं, अपने आप जाएगा पानी। क्या ए का सारा पानी बी में चला जाएगा, नहीं, तब तक जाएगा जब तक दोनों पर वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों में पानी का लेवल यहां तक बराबर हो जाएगा, तब तक दोनों में पानी, तब तक जो है ए टंकी से बी में पानी जाता रहेगा। ए से बी में पानी क्यों गया, क्योंकि यहां पर वाटर का प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर, और यहां पे वाटर का प्रेशर कैसा था, लो। पानी हाई से लो में जाता गया जाता गया जाता गया, एक स्टेज ऐसी आएगी कि पानी जाना बंद हो जाएगा। मतलब जहां पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से चीजें लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। सेम यही काम वोल्टेज करती है या पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ये एक सेल है जो हम घड़ियों में या रिमोट में डालते हैं, इस तरह का सेल, क्लियर। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है।
नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का भंडार है बिल्कुल, और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों टर्मिनल को हमने एक वायर से जोड़ दिया, क्लियर, और इस वायर को हमने जोड़ा एक बल्ब से, एक बल्ब है। अब यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का प्रेशर हाई है, इलेक्ट्रॉन प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ध्यान रखना। यहां पे पोटेंशियल हाई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे पोटेंशियल लो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए और बल्ब में से होते हुए कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ना हो जाए। इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस था, यहां पोटेंशियल हाई, यहां पोटेंशियल लो, और इसी वजह से बल्ब में करंट फ्लो हुआ है। यही बात मैंने आपको कही थी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक कोज है और उसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा उसका, कि उसी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं, जो हम घड़ियों में डालते हैं, वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। मतलब यहाँ पे वोल्टेज 1.5 वोल्ट, यहाँ पे कितनी, 0 वोल्ट। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1.5 वोल्ट। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक इस सेल से करंट फ्लो होता रहेगा, और जैसे ही दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता है, क्लियर। यही सेम बात हमारे घरों के सर्किट में होती है, आपने देखा होगा दो इस तरह के होल होते हैं जो भी हम प्लग लगाते हैं उसमें, एक लाइव वायर के लिए होता है, दूसरा न्यूट्रल वायर के लिए। लाइव वायर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220, न्यूट्रल में 0, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220। हम जो भी डिवाइस लगाते हैं उसमें हमेशा दो वायर होते हैं, एक वायर यहां से निकलेगा, ये हमारा डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स 220 वोल्ट से निकल निकल कर 0 वोल्ट की तरफ जाएंगी, बीच में हमारा डिवाइस आ गया, उसमें से होके फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, जिस वजह से हमारे अप्लायंसेस, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, कूलर हो, एसी हो, वो वर्क करते हैं। तो इस प्रिंसिपल पे सारे के सारे डिवाइसेस काम करते हैं, इसलिए दो वायर की जरूरत होती है, लाइव वायर जिसमें करंट फ्लो करता है, और न्यूट्रल वायर विच इज यूज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल कौन से वायर में है, लाइव वायर में, और न्यूट्रल में कितना पोटेंशियल, 0। नेक्स्ट है 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइन 1 वोल्ट। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है ये। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल 1 वोल्ट। ठीक है, कुछ बच्चों के सिर के ऊपर से गई होगी डेफिनेशन, लेकिन जब मैं डायग्राम बनाऊंगा और इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखूंगा, तब बिल्कुल मेरे ख्याल से 100% बच्चों को इसकी डेफिनेशन साथ के साथ बिल्कुल लर्न हो जाएगी। तो सभी बच्चे बोर्ड पे फोकस करें। देखिए सभी, हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसी फॉर्मूले से आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये एक वायर है, ठीक है, ये एक चार्ज है 1 कूलम का, ठीक है, इसे ए पॉइंट से कहां लेके जाना है, बी पॉइंट तक, ठीक है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए हमने कितना वर्क किया, 1 जूल। अब डेफिनेशन क्या होगी 1 वोल्ट की, देखिए 1 वोल्ट इट इफ वर्क डन कितना हो जाएगी, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव, किसको मूव करवाने के लिए, ए चार्ज ऑफ, चार्ज कितने का है, 1 कूलम फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 पॉइंट टू अनदर। चार्ज हमेशा किस में मूव करता है, थ्रू ए कंडक्टर। ये हर चीज आपको जो है
वो लर्न होनी चाहिए। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कितना कहेंगे, 1 वोल्ट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एक भी वर्ड यहां से वहां नहीं है। फॉर्मूला हमने लिखा था V इक्वल टू W बाई क्यू, अगर कितना वर्क किया जाए, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, टू मूव अ चार्ज, चार्ज कितना, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, चार्ज हमेशा किसमें मूव करता है, थ्रू ए कंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ये चारों पांचों चीजें जो मेन मैंने यहां पर अंडरलाइन की है, वो वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में जरूर आने चाहिए। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। हम इसको मेजर कैसे करते हैं, वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं, वोल्टेज को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसका नाम है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर आप सबने देखा होगा, हमारे जो एसी हैं उनमें स्टेबलाइजर लगा होता है, उसमें एक वोल्टमीटर भी लगा होता है इस तरह, इसमें वोल्टेज आती रहती है 0 से लेके और यहाँ 220 होता है, 250 तक होती है, और इसकी नीडल हमेशा घूमती रहती है, ज्यादातर हमेशा 220 पे फिक्स होती है, ये वोल्टमीटर। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से नापते हैं उस डिवाइस का नाम वोल्टमीटर। एक बात ध्यान रखना, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन वन वर्ड में ये क्वेश्चन आता है कई बार, इन विच कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, आंसर में क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सारी की सारी बात पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड थी, डेफिनेशन 1 वोल्ट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ओम्स लॉ दिया। इसको रटने की बजाय हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। प्रैक्टिकल वे क्या है भी, हमने क्या किया, एक सेल लिया जो हम घड़ियों में डालते हैं, वो 1.5 वोल्ट का होता है, और उसके जो दोनों एंड्स हैं उस पे हमने वायर लगाया और उस वायर को अपने हाथ से टच किया। समझ गए सभी, हमने इस तरह से सेल लिया, उसके दोनों एंड्स पे वायर लगाए और उसको अपने हाथ से ऐसे टच किया, क्या हमें करंट लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, करंट जो है हमें महसूस नहीं होगा। अगर हम दोनों वायर को इस तरह सेल से जोड़े और उसको अपनी टंग पे टच करें दोनों वायर्स को, तो हमें अपनी टंग के ऊपर थोड़ी सी झंझनाहट सी महसूस होगी, मतलब करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन बहुत कम है, हमारे जो हाथ की जो मोटी स्किन है वो इसको एक तरह से सेंस नहीं कर सकती, टंग जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है वो सेंस कर सकती है, मतलब सेल जो है उससे करंट बहुत कम आता है। इसके बाद हमने क्या ली, थोड़ी सी बड़ी चीज ली, बैटरी ली, मोबाइल फोन की बैटरी, ठीक है, लगभग 3 वोल्ट की होती है, उसको भी अपने दोनों हाथों से टच किया, तब भी हमें करंट का जो एहसास नहीं होगा। अगर हम अपने हाथ के इस वाले हिस्से पे ऊपर वाली जो स्किन होती है जो कि ज्यादा डेलिकेट होती है उस पर रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जो है सेंसेशन महसूस होगी, ठीक है। अगर हम बाइक वाली बैटरी लें, उसके दोनों वायर्स को टच करें, हमें पहली बार कुछ करंट का एहसास होगा, वो बैटरी 6 वोल्ट की होती है। और अगर हमने इन्वर्टर जो है उसकी बैटरी को टच किया, उसके दोनों जो एंड्स है पॉजिटिव नेगेटिव एंड उसको टच किया, शॉक लगेगा, ठीक है, हमें करंट जो है उसका पता चल जाएगा। और जो हमारे घरों में वोल्टेज सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, ठीक है, उसके दोनों एंड्स को अगर हम टच करेंगे तो काफी ज्यादा करंट लगेगा, बिना जेल के ही स्पाइक्स जो है वो बन जाएंगे, बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाइट जो है कई इंच बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, सेल कितने वोल्ट का था, 1.5 वोल्ट, करंट कम लगा, ठीक है, मोबाइल फोन की बैटरी 3 वोल्ट, करंट थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, बाइक की बैटरी वोल्टेज ज्यादा, करंट और ज्यादा होता गया। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यही ओम्स लॉ है प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, कि वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ करंट भी बढ़ता है। अब इसी को हमें लिखना कैसे है बुकिश लैंग्वेज में, वो क्या है वो देख लीजिए। ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज थ्रू इट इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो साथ साथ करंट भी बढ़ेगा इफ टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये लॉ सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ कहा गया है। इसका मैथमेटिक डेरिवेशन हम बोर्ड पे देखेंगे अभी। ओम्स लॉ की डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट किया गया इसमें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोस थ्रू इट इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V का मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट, ये सिंबल है प्रोपोर्शन का, ठीक है। जब भी हमें ये सिंबल हटाकर इज इक्वल टू लगाना है तो हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू लगानी होती है। ओम ने यहां पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू ली वो दी R। फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। R क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, V अपॉन I। V अपॉन I को हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। R का मतलब यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट हम अपने आप डेराइव कर सकते हैं। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट। I का मतलब करंट, इसकी यूनिट एम्पियर। यूनिट क्या हो गई इसकी, वोल्ट पर एम्पियर। ये डेराइव्ड यूनिट है रेजिस्टेंस, इट इज डेराइव्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी जो SI यूनिट है वो है ओम के ऑनर में ओम रखी गई। इसकी जो SI यूनिट है वो है ओम, और ध्यान रखना ओम का सिंबल ओ नहीं है, इस तरह का सिंबल है जिस सिंबल को हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ओम का सिंबल है, ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर सभी को, रेजिस्टेंस होता क्या है हम अब वो स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इसको हम एक तरह से एक एग्जांपल से समझते हैं। भीड़ लगी हुई है बहुत सारी, आप भीड़ के सबसे पीछे खड़े हुए हो, आगे जाना है आपको सबसे, वो भीड़ आपके आगे जाने का अपोज करेगी, वो रेजिस्टेंस है, रुकावट है आपके आगे जाने का अपोज कर रही। सेम यही बात जो है वायर के केस में है। करंट जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिस सब्सटेंस का वायर बना हुआ है उसके जो पार्टिकल्स है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करेंगे, उसे जाने नहीं देंगे, रोकेंगे उसे, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, सभी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करते हैं। जिस तरह मैकेनिक्स में जो है एक तरह से फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो आगे जाने का अपोज करती है, उसी तरह से करंट के आगे जाने का अपोज कौन करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में है। यूनिट क्या बताई मैंने इसकी, ओम इसकी यूनिट है, ठीक है। और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। जो भी सब्सटेंस होते हैं हर एक में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस जितना कम है उसमें करंट उतनी आसानी से जाएगा, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। क्लियर सभी को, तो ये सारी बातें रेजिस्टेंस से रिलेटेड थी। हमने एक नया फॉर्मूला भी सीखा, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें V का मतलब
पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? 1 ओम। अब हम 1 ओम की डेफिनेशन बनाएंगे कि रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता है। फॉर्मूला किया था V इज इक्वल टू आई आर, और आर को ये रखें तो आर का फॉर्मूला क्या बन गया? V अपॉन आई। ठीक है, कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? अगर A से B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, और इसमें कितना करंट फ्लो हो? 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज सेड टू बी 1 ओम। इस फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं, द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस को 1 ओम हम कब कहेंगे? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो दो पॉइंट के बीच में, इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, उसके बीच में कितना करंट फ्लो हो? 1 एम्पियर। ठीक है, तब हम रेजिस्टेंस को कितना कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। ये 1 ओम की डेफिनेशन है। ठीक है, बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? किलो ओम, 1 kW। ठीक है, या इस तरह से 1 किलो ओम में 10^3 ओम, इस तरह से इसकी मेगा ओम, 1 मेगा ओम, मेगा ओम में एम कैपिटल, ओम का सिंबल। ठीक है, क्या हो जाएगी? 10^6 ओम। तो ये सारा का सारा रेजिस्टेंस के बारे में था। एक डेफिनेशन इसमें और रह गई, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से फ्लो करता है उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट जो है उसमें दो बातें हमेशा ध्यान रखना, एक तो ये हमेशा क्लोज होता है, ठीक, कहीं पर भी ओपन नहीं होगा, और दूसरा ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं आएंगे। और हम जो है कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, वो सिंबल आपके एनसीईआरटी बुक में बने हुए हैं, मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा भी देता हूँ। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ये सिंबल इस तरह का, ये सिंबल शो करता है ओपन की, की कैसी है? ओपन। जब भी की ओपन होगी करंट जो है ध्यान रखना वो फ्लो नहीं करेगा, करंट डज नॉट फ्लो, ये ओपन की। और इसी में अगर हम डॉट लगा दें इस तरह से, अब ये क्या बन गई? क्लोज की। क्लोज की, जब भी की क्लोज होगी तो करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट है, अगर इस तरह का सिंबल है जो कि हम सर्किट में यूज करते हैं, इस सिंबल का नाम है रेजिस्टेंस। ये सिंबल है, इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। और अगर थोड़ा सा चेंज ऐसे आ गई लाइन, इसको हम कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता जाता है। नेक्स्ट है इस तरह का सिंबल, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सिंबल है सेल का। अगर कई सारे सेल्स को हम जोड़ दें आपस में, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन जाएगी बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है। इस बैटरी में कितने सेल हैं? 3 सेल है। ठीक है, इसी तरह से ये जो सिंबल है ये बल्ब का सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, और ये जो सिंबल है इस तरह का, 2 जीरो इसको जोड़ने वाले वायर, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसी तरह से ये वी लिख दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिंबल है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हैं हम? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इसी सिंबल में हमने ए लिख दिया तो इसको हम कहेंगे एमीटर, ये एमीटर का सिंबल है।
ठीक है। और इसी सिंबल में हमने अगर जी लिख दिया या इस तरह से सिर्फ ये एरो दिखा दी, ये सिंबल है किस चीज का, गैल्वेनोमीटर। ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो थोड़े से भी करंट को डिटेक्ट कर लेता है। अगर सर्किट के अंदर थोड़ा सा भी करंट हुआ तो ये जो इसके निडल है ये मूव हो जाएगी। तो ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जिसका हम सर्किट में यूज करेंगे। और भी कई सिंबल हैं, इस तरह से एक सिंबल है इस तरह का, वायर कनेक्शन विदाउट जॉइनिंग, वायर कनेक्शन विदाउट जॉइनिंग, मतलब दो वायर एक के ऊपर एक गए हुए। और इसी में अगर इस तरह का सिंबल है, ये डॉट लगे हुए, तो ये जॉइंट वायर है, दो वायर को हमने जोड़ रखा। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जो हमें सर्किट डायग्राम में पढ़ने हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बार इनको। इस तरह ये वाला सिंबल ओपन की, जब भी की ओपन होगी करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। क्लोज की, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो सकता है। ये सेल, कई सारे सेल जुड़ के क्या बनी, बैटरी। ये बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक फ्यूज, वोल्टमीटर, एमीटर, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव है ध्यान रखना। एमीटर में बीच में ए लिखा हुआ आएगा, वोल्टमीटर में वी, अगर जी लिखा हुआ है प्लस माइनस ना हो तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम सिर्फ एक एरो से भी दिखा सकते हैं। इस तरह का सिंबल वायर कनेक्शन विदाउट जॉइंट, ये वायर जॉइंट का सिंबल। ये सारे के सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम हैविंग वोल्टमीटर, ठीक है, एमीटर एंड ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें एक रेजिस्टेंस हो, एक वोल्टमीटर हो और एक क्या हो, एमीटर हो, सेल हो, ठीक है, और एंड की हो, ये पांच चीजें हो, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे एक बार देख लीजिए। हमें एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना जिसमें पांच चीजें हो, क्या क्या नाम बताया मैंने, सबसे पहले एक क्या हो, सेल हो, की हो, एमीटर हो, वोल्टमीटर हो एंड रेजिस्टर हो। ये पांच चीजें एक सर्किट डायग्राम में हमें शो करनी है। सबसे पहले हमने सेल बना दिया इस तरह से, ध्यान से देखते ना सभी बच्चे, सेल का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद की दिखा दी हमने, ये की है। करंट ध्यान रखना, करंट हमेशा कहां से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे एरो का ध्यान रखेंगे सर। इसके बाद इसमें हमें एक रजिस्टर दिखाना है, ये रजिस्टर है, इसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके साथ एमीटर, एमीटर ध्यान रखना, एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ये एमीटर लगा दिया, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे समझ में। और इसको हमने कनेक्टेड वायर से जोड़ दिया, ये वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर इस तरह से लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखना एक बार, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, करंट यहां से गया, यहां से गया, स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया करंट इसी रास्ते से आगे गया, ठीक है, आगे गया, ऐसे गया, कुछ करंट रेजिस्टर आर में जा रहा है, कुछ करंट नीचे आया है ऐसे। यहां पर करंट पहले पहुंच रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। इसमें 99% बच्चों को डाउट रहता है कि वोल्ट मीटर का पहला टर्मिनल कौन सा है, दूसरा कौन सा। इसका सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, जहां करंट पहले पहुंचेगा वो कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, जहां बाद में पहुंचेगा वो कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव। करंट फिर ऐसे गया, ये एमीटर में गया, तो ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इस तरह से होता हुआ ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जहां करंट पहले जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, जहां बाद में पहुंचा वो नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई भी सर्किट डायग्राम जो है वो आपसे बनाना पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने आज कई सारे टॉपिक किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, वन ओम की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें यूज होने वाले सिंबल्स, याद करने की काफी सारी चीजें हो गई आपकी। इन सब चीजों को आप नेक्स्ट क्लास तक जरूर लर्न करेंगे और जो असाइनमेंट में दूंगा उसे आप पूरा करेंगे, क्योंकि पढ़ने का टाइम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है। साथ साथ सभी बच्चे लर्न करेंगे, क्योंकि जैसे ही चैप्टर पूरा होगा आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। लाइव प्रोसेस चैप्टर में 5 बच्चों के नंबर 30 में से 30 आए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था,
तो जिन बच्चों के लाइव प्रोसेस में 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं तो उनके बोर्ड में 100 में से 100 नंबर श्योर है, ये मान के चलें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की तैयारी अभी से करें, जिनको मैंने जो जो टारगेट दिया है उतने टारगेट उन्हें अचीव करना ही करना है। ओके, थैंक यू।